जीवन में तब तब व्यक्ति नुकसान में जाता है जब जब वो लालच करता है। जैसे आपके मोबाइलों में कई बार फोन आता है, मैसेज आता, आपकी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, आप इस नंबर पर फोन करें। आप फोन करते हैं, अरे आपने तो 50 लाख रुपए जीत लिए हैं, ऐसा लॉटरी का फोन आता रहता ना, लॉटरी वगैरह कुछ होती है। अरे कोई केबीसी का फोन आ जाए, साहब आप तो करोड़पति बन गए हैं, आप जरा इस नंबर पर 50,000 रुपए डाल दीजिए, आपके खाते में 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। एक बार हमारे पास आ गया फोन, बोले आप 50 लाख रुपए जीत गए। हमने कहा भैया हमने तो कुछ खेला ही नहीं था। बोले नहीं आप बिना खेले जीत गए। हमने कहा अच्छा बताओ अब क्या करना है। बोले आप हमारे खाते में 50,000 रुपए डाल दीजिए तो आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। हमने कहा भाई साहब गणित तो पढ़े होंगे आप। बोले हाँ पढ़े हैं। हमने तो कहा कि जब आप 50 लाख डाल ही रहे हैं तो 50,000 काट के डाल देना, अपना क्या है, क्यों माथा पच्ची करना, अपना वहीं के वहीं काट लो, जो बच रहा वो डालो, हमसे उम्मीद लगाओगे तो फूटी कौड़ी ना पाओगे, क्यों मैया सही है। तो जब आपके पास कोई ऐसे फ्रॉड व्रॉड फोन आया करें कि आप 50 लाख जीते हैं, कई लोग ना चक्कर में पड़ जाते हैं झूठी बातों में, कई लोग अपना पैसा वैसा डाल देते हैं। लालच मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी। एक बात और बताऊं, कोई महंगी चीज आपको सस्ते में मिल रही है उस लालच में कभी ना आना, जरूर वो खोटी चीज होगी, इसलिए वो सस्ती। महंगी चीज सस्ती कैसे हो जाएगी? सोना यदि कोई आपको 20,000 रुपए तोला दे तो बताओ कैसे दे सकता है? आज वर्तमान में सोने की कीमत लगभग 50,000 है जहां तक मैंने सुना। क्यों जी है मैया? अभी आखिरी बार किसने खरीदा सोना? आपने नहीं खरीदा, अच्छा है खरीदने ही छोड़ दो, सस्ता हो जाएगा, सोने के भी भाव उतर जाएंगे। बहुत आकाश में घूम रहा है, उतरते ही नहीं, नीचे चढ़ा जब से चढ़ा है। हमारे जब हमने होश संभाला था तब 3,000 रुपए तोला था सोना, 3,000 रुपए तोले से हमने होश संभाला है, 50,000 चला गया। आज 50,000 है मैया, आपने 200 देखा है, लो खरीद लेना था, अपने कमरे में भर लेते ढेर सारा खरीद के, बड़ा सस्ता था सोना, अब देखो वहां फाड़े बैठा है सोना, बिल्कुल दया नहीं आ रही उसको कि गरीब आदमी भी सोना वाना पहने, हो सस्ते ही नहीं हो रहा है ना मैया। एक मैया तो बेचारी इस भरोसे में बैठी है कि थोड़ा सस्ता हो तो रानी हार बनवाऊं, सस्ता होने के चक्कर में जब 20,000 का था तब का बैठी है वो, आज 50,000 का हो गया, अभी बैठी है बेचारी इस उम्मीद में कि कभी तो होएगा। कई लोगों को धोखा दे दिया सोना ने, कह बढ़ते ही जा रहा। चलो तो हम आपसे कह रहे थे कि यदि 20,000 रुपए तोला आपको कोई सोना दे, इसका मतलब लालच में ना पड़ना, वो कुछ खोटा होगा साहब, नहीं 50,000 की चीज तुम्हें 30 में कौन देगा, वो भी सोना। इसलिए कभी जीवन में लाल कोई बोले कि तुम्हारी ने तुमने 1 लाख रुपए जीत लिया, ये जीत लिया, कई लोग ना रास्ते में तुम्हें लाखों रुपए पड़े मिल जाएं तो भी ना उठाना, उस लाखों के चक्कर में तुम्हारे ना जाने कितने लाख बर्बाद। कई लोगों का षड्यंत्र होता है, पैसे का लालच दे के तुम्हें बरगलाते हैं, भड़काते हैं, और तुम पैसे के लालच में ना जाने क्या क्या कर बैठते हो। कई लोग पैसों का लालच दे दे के जुआ सट्टा, ये सब क्या है, ये भी तो एक प्रकार का लालच है। और लालच के चक्कर में आदमी, वही कहावत आ गई कि आधी छोड़ पूरी। एक आदमी के पास 50 रुपए थे और उसने 50 रुपए ही सट्टे में लगा दिया। सटोरिया लोग होते ना, ये सटोरिया लोग, बस इनका एक ही है, क्या आया क्या बना, नहीं बना, मुंह वहीं लटक गया, नहीं बना नहीं बना। सटोरिया सट्टा, समय के पहले सठी आ गए। कोई भी मिले बस यही, महाराज क्या बनेगा,
तुम्हारा मुंह बनेगा भी देख लेना शाम को। तुम जो बड़ा भी खुश हो ना, अभी शाम को जब बनेगा कुछ तुम्हारा मुंह लटक जाएगा। ये सट्टा वट्टा खेलने, ये भी एक प्रकार का लालच है। लालच के चक्कर में ये लोग अपना धन भी बिगाड़ते हैं, अपना समय भी बिगाड़ते हैं, और सबसे बड़ा पूरी जिंदगी जुआ सट्टा खेल के अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया, खत्म कर दिया अपने जीवन को। ना घर के रहे ना, तो आप में से कोई कभी सट्टा जुआ इत्यादि लालच में ना पड़े। हमारी मेहनत का 200 रुपए बहुत है, हमें बेईमानी सट्टा जुआ से करोड़ों कमाना भी नहीं है। अरे सट्टा जुआ में करोड़ों का लालच होता है। आज तक कोई करोड़पति बना हो तो बता दो मुझे, सट्टा जुआ से बना कोई? बोलो मेरी माँ, एक बार सट्टा जुआ में कोई 50,000 जीत भी जाए तो उसके अंदर लालच आ जाएगा, अरे जीता था, वो उस जीत की खुशी में लाख लगा देगा। तो हिसाब किताब जीरो बटा सन्नाटा, जीता 50,000 लगा दिया, लाख रुपए खत्म, अब बैठा है मुंह लटकाए घर में। तो ये लालच है, इसमें कभी ना पड़ना आप लोग।